इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे प्लांट जिनको जो है आप उनको पब्स को डिवाइड करके जो है अपने न्यू प्लांट बना सकते हैं, या जड़ों से जो उनके बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनको अलग करके आप अपना न्यू प्लांट बहुत आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ड्रेसिना, इसको मैंने ज़मीन में ग्रो किया था, तो इसकी जड़ों से इसके दो छोटे छोटे प्लांट निकले हैं। तो आपके भी अगर इस तरह के हैं तो आप उनको अलग करके अपना न्यू प्लांट जो है बहुत आराम से बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लीव्स वाला प्लांट होता है, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलरफुल प्लांट्स ड्रेसिना। और अगला जो प्लांट है जिसको आप इस समय जो है उसके बेबी प्लांट्स को अलग करके बहुत आराम से आपका जो न्यू प्लांट है वो बन जाएगा, तो वो है रियो का प्लांट। आपके पास चाहे छोटी हाइट वाला हो चाहे बड़ी हाइट वाला हो, दोनों को आप इस समय जो है अलग करके उसका न्यू प्लांट जो है बना सकते हैं, क्योंकि इस समय इनका जो है ग्रोथ का पीरियड रहता है और ये इनकी जो न्यू प्लांट्स हैं उनको डिवाइड करना बहुत ही आराम से जो डिवाइड हो जाते हैं और उनकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आप, अगर आपका भी प्लांट इस तरीके का है, बहुत सारे जो प्लांट हैं उसके हो गए हैं बेबी प्लांट्स, उनको अलग करके आप अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं। और रेन लिली को भी आप इस समय जो है डिवाइड करके उसके एक से ज़्यादा जो है प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि ये भी जो प्लांट है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो आप अपने पुराने गमले से ही निकाल के कुछ जो है बल्ब न्यू अपने गमले में लगा के अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने भी जो है 5-6 दिन पहले ही हैंगिंग बास्केट में इसके कुछ बल्ब लगाए हैं जो आने वाले सीज़न में फ्लावरिंग करेंगे। और ये देखिए कैना लिली, ये भी जो है पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करता है, और इसको भी आप इसके जड़ों से भी इसके बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो प्लांट है वो निकलते रहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास भी है तो उसको आप इस समय डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के इसके जो छोटे छोटे प्लांट जो है, इसके जो बड़ा प्लांट होता है मेन प्लांट, उसकी जड़ों से इस तरीके से छोटे छोटे जो प्लांट है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और इस प्लांट को जो है मैंने ज़मीन में लगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है डिवाइड होता रहता है प्लांट, तो इसका ही कोई छोटा सा प्लांट निकाल के आप अपना न्यू प्लांट जो है बहुत आराम से जो है बना सकते। तो ये देखिए मैं कुछ एक प्लांट आपको निकाल के बताती हूँ। तो इस तरीके से आप उसके पास साथ जो है थोड़ी सी रूट्स होनी चाहिए, तो बस ये प्लांट जो है बहुत आराम से जो है ग्रो कर जाता है। अगला जो प्लांट है जिसको आप इस समय डिवाइड करके अपना न्यू प्लांट बना सकते हैं, तो वो है स्नेक प्लांट। और ये देखिए मेरे जो ज़मीन में लगे हुए हैं, मैं जहाँ से एक प्लांट आपको निकाल के बताऊँगी और उसको जो है मैं गमले में ग्रो करूँगी। तो ये देखिए एक छोटा सा जो प्लांट है, तो इसको जो है मैं इसकी जड़ों से थोड़ा सा अलग कर लूँगी, क्योंकि इसके साथ थोड़ी सी रूट्स होगी तो ये प्लांट बहुत आराम से जो है ग्रो कर जाएगा। ये देखिए इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने जो है ज़मीन से निकाल लिया है स्नेक प्लांट का एक छोटा सा प्लांट, तो इसके साथ तो बहुत सारी रूट्स हैं और मैं इसको जहाँ भी लगाऊँगी तो ये बहुत आराम से ग्रो कर जाए। तो ये देखिए मैंने इसको जो है गमले में शिफ्ट कर दिया है, और ये छोटा सा प्लांट जो है कुछ दिनों में ही जो ग्रो करने लग जाएगा और अगले साल तक इसमें बेबी प्लांट्स भी निकलेंगे छोटे छोटे। और ये देखिए मेरा एग्लोनीमा का प्लांट है ग्रीन कलर वाला, और जहाँ इसको चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं, और इसके भी जो है मेरे पास दो प्लांट हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो इनको भी अलग करके इस समय इसका भी ग्रोथ का पीरियड है, तो इसके भी जो है मैं प्लांट बना सकती हूँ एक से दो। तो इस तरह के अगर आपके पास भी हैं प्लांट तो उनको भी आप जो इस समय डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए ट्रायोस्टार भी एक ऐसा ही प्लांट होता है कि इसकी जड़ों से इसके छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, अगर आप उसको जो है डिवाइड करके आप अपना कोई न्यू प्लांट बना सकते हैं तो इस समय बना सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो है इस समय ग्रोथ का पीरियड होता है और ये बहुत ज़्यादा ये भी मल्टीप्लाई होता है कैना लिली की तरह। तो इसको भी आप इस समय जो है छोटा सा इसका न्यू प्लांट निकाल के अपने किसी दूसरे गमले में लगा के आप अपना एक से दो प्लांट जो है बहुत आराम से इस समय बना सकते हैं ट्रायोस्टार का। और यह है एस्पेरिगस फर्न, तो ये भी जो प्लांट है बहुत ज़्यादा जो है मल्टीप्लाई होता है, तो इसके भी अगर आप एक से दो या दो से तीन प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस समय इसका भी जो है ग्रोथ का पीरियड होता है, तो गमले से निकाल के पूरी मिट्टी के साथ ही, तो उसी मिट्टी के साथ ही इसको आप डिवाइड करके आप एक से दो प्लांट बना सकते हैं, एक से चार भी बना सकते हैं, तो ये बहुत आराम से जो है मल्टीप्लाई होता है एस्पेरिगस फर्न। तो ये देखिए इस तरीके से ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है गर्मी में। ये फॉक्सटेल फर्न है और ये भी एस्पेरिगस फर्न की तरह ही होता है प्लांट, ये भी इसको भी अगर आपके पास जो प्लांट है, आपका प्लांट जो है काफ़ी डिवेलप हो गया है, जहाँ आप उसके एक से दो प्लांट बनाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है। तो यही इनको यही करना होता है कि गमले से निकाल के मिट्टी के साथ, तो मिट्टी को ही डिवाइड करना होता है किसी चाकू या उसकी मदद से, पूरे
गमले से निकाल के मिट्टी के साथ ही उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपके एक से दो प्लांट जो है बहुत आराम से बन जाते हैं। एस्पेरगस फर्न हो जो फॉक्सटेल फर्न, तो रिबन ग्रास भी एक ऐसा ही प्लांट होता है कि इसकी भी जड़ों से, इसके जो है न्यू प्लांट इसकी जड़ों से ही निकलते हैं। तो ये जैसे एस्पेरगस फर्न के लिए मैंने बताया, तो सेम इसके भी ऐसे ही करना होता है कि मिट्टी के साथ ही इसको जो है गमले से निकाल के तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं मिट्टी के साथ ही, तो आपका जो न्यू प्लांट बहुत आराम से जो है बन जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है प्लांट, जड़ों से इसके छोटे छोटे जो है बहुत सारे जो है प्लांट निकलते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है पाम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं तो इस समय आप उसको भी जो है डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा जो बैम्बू पाम है इसके भी बहुत सारे जो है प्लांट बन गए हैं इसके गमले में, ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, छोटे छोटे प्लांट इसकी जड़ों से निकलते रहते हैं। इस समय अगर कोई भी पाम हो, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ये देखिए इस तरीके से बैम्बू पाम के बाद जो है ये है लेडी पाम और जो एरिका पाम है, तो कोई भी पाम हो अगर आपके पास तो उसको आप अगर इस समय डिवाइड करोगे तो बहुत आराम से आपका जो प्लांट है वो बन जाता है, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है। ये है हवर्थिया, अगर आप ये देखिए मेरे प्लांट एक मेन प्लांट है उसके साथ बहुत सारे जो है छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, तो अगर आप के पास भी इसी तरह का कोई प्लांट है तो इस समय आप उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, या मेन प्लांट से अलग करके आप उसको न्यू गमले में लगा के आप अपना एक और फ्री में प्लांट जो है बना सकते हैं बहुत आराम से। और ये भी प्लांट जो है इसके जो प्लांट बेबी प्लांट से बहुत आराम से अलग होके थोड़ी सी रूट्स होनी चाहिए साथ में, तो बहुत आराम से चल जाते हैं दूसरे गमले में। और ये देखिए ये एलोकेशिया का प्लांट है, अगर आपके पास भी इस तरह का इस तरीके से एक गमले में दो प्लांट लगे हैं, अगर आप उनको इस समय डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये प्लांट जो है इसके साथ अगर रूट्स ना भी हो तब भी ये प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। ये देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन लीव्स वाला फॉलेज वाला जो प्लांट होता है देखने में सुंदर लगता है। और ये है सिंगोनियम, अगर आप इसको भी जो है इस समय डिवाइड करना चाहो तो बहुत आराम से इसके जो है बहुत सारे जो प्लांट होते हैं और हर प्लांट के साथ जो है एरियल रूट्स होती हैं, और उसको अगर आप अलग करोगे थोड़ी सी रूट्स भी होगी, अगर रूट्स नहीं भी होगी तब भी ये प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। और ये देखिए मेरा जो गमला है इसमें जो है पांच छह प्लांट हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है अलग करके इसके दो या तीन जो है प्लांट बहुत आराम से बना सकती हूँ। तो अमेरिलिस लिली को भी अगर आपके पास है तो अगर आप उसके एक से ज़्यादा प्लांट बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है, इस समय आप इसके एक से ज़्यादा प्लांट बहुत आराम से बना सकते हैं। तो एक प्लांट लगाओगे, एक बल्ब लगाओगे इसका, तो अगले साल तक जो है दो चार या उससे ज़्यादा बन जाते हैं, तो इसको भी डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। एक बल्ब लीजिए, उसको ग्रो कर दीजिए दूसरे गमले में। और ये है बाइट घोस्मर का प्लांट, और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है जो कटिंग से या डिवाइडेशन से बहुत आराम से जो है इसका न्यू प्लांट जो है बन जाता है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने जो है अपना यहाँ से ही क्यारी से निकाल के गमले में प्लांट लगाया है, तो ये देखिए इसकी जो है जो जड़ें इसकी ज़मीन में होती हैं तो वहाँ से इसके जो छोटे छोटे प्लांट और बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जो कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्यारी से निकाल के गमले में लगाया था और कटिंग भी लगाई थी, तो ये भी चल जाती है इसकी कटिंग या डिवाइड से प्लांट जो है बहुत आराम से न्यू प्लांट इसका बन जाता है। और ये पर्पल हार्ट है, इसको भी आप डिवाइड करके इसका न्यू प्लांट जो है बहुत आराम से बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।